वेलकम टू ऑल। खैर चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। पहला व्लॉग है मेरा, तो उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत गलतियाँ गलतियाँ आप इग्नोर कर दीजिएगा। कल मैं एक्चुअली तुर्की जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग भी व्लॉग थोड़ा बहुत ऐसे ही स्टार्ट शूट करें। तो कल मेरी फ़्लाइट है, जो मैंने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो हम लैंड करेंगे तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, जिसका नाम है सबिहा एयरपोर्ट। सबिहा एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद वहाँ हमारा उसी एयरपोर्ट पे कुछ घंटे का स्टे होगा। स्टे है हमारा तकरीबन 4-5 घंटों का स्टे होगा। उसके बाद हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट मैंने बुक करवाई है, जो कि है कैपाडोकिया में। कैपाडोकिया का एयरपोर्ट है केसरी एयरपोर्ट है, ऐसा करके कोई नाम है उसका। तो फर्स्ट टाइम है, अभी नाम में इतने कोई ख़ास पता नहीं है सही से। तो केसरी एयरपोर्ट, तो हम केसरी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उसके बाद लैंड करने के बाद एक्चुअली क्या पता होगा, टाउन टाइप का है। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। लेकिन वहाँ पे आपको पता है एयर बलून्स के लिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्रेज़ है एयर बलून्स का। मैंने बोला वो लाजमी हम जाके ट्राई करेंगे इसकी। और खैर केसरी एयरपोर्ट से हमारा क्या पता हो गया, जो टाउन तक जाने का डिस्टेंस आई थिंक वो 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं बाई कार अगर आप जाएंगे। तो सब कुछ प्लानिंग हो चुकी है, तो अब देखते हैं कैसे जाता है, अकॉर्डिंग प्लान जाता है कि नहीं जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। अगर कोई चुस्त मुस्त बज गई है व्लॉग में, या फिर क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको पता है इतना कोई आइडिया नहीं है व्लॉग कैसे बनाते हैं, कोई खच्चे कुच्चे अगर लग जाती है व्लॉग में, तो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं इतना कोई प्रोफेशनल टाइप का नहीं हूँ, ठीक है। तो दिखाते हैं फिर आपको। रात को मैं पहुंच गया था, तकरीबन 2:30 से 3 बजे का टाइम हो चुका था। हालत बुरी हो चुकी थी, थक चुका था पूरी तरह से, क्योंकि दोहा से जो है इस्तांबुल एयरपोर्ट की फ़्लाइट ऑलमोस्ट 4 से 4.5 घंटे लग गए थे। उसके बाद इस्तांबुल सबिहा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वहां पे जो स्टे था मेरा ऑलमोस्ट 4 घंटे तो था। 4 घंटे स्टे के बाद डोमेस्टिक फ़्लाइट थी मेरी केसरी एयरपोर्ट पर, और वहाँ पहुँचने के बाद मुझे वहाँ पर कोई टैक्सी ओबर बुक करवानी थी। वो करवाने के बाद जो है मैं गया वहाँ से, अब मेरा जो होटल था वो मेन टाउन में था कैपाडोकिया के, ताकि मैंने कहा अगर कोई चीज़ एक्सप्लोर करनी है, यहाँ जो एयर बलून्स के जो उनके जो डेस्टिनेशन थे वो बहुत करीब थे उस होटल के, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि करीब जाके मैं होटल अपना देखूँ, ताकि अगर बाय वॉकिंग डिस्टेंस भी एक्सप्लोर बंदा कर सकता आराम से। खैर रेस्ट वगैरह करने के बाद मैं सुबह उठा, बहुत फ्रेश था, तो बंदे को एक्साइटमेंट भी थी। सोलो ट्रैवल था मेरा, फर्स्ट टाइम ट्रैवल था तुर्की का, और था भी अकेला, तो कुछ एक्साइटमेंट भी थी और बहुत था कि नई चीज़ें देखने को मिलेंगे आपको। खैर मैं सुबह उठा बहुत फ्रेश था, तो मैं निकल पड़ा बाहर, और ठंड इंतहा की थी। हेलो, तो हम तुर्की में आए हैं, यहाँ पर हमारा स्टे 3 दिन का है, 2 नाइट्स और हाफ डे। तो
कैफे तो हो गया, मैं आए हैं यहाँ पे तुर्की में। उसके बाद हम लोग जाएंगे इस्तांबुल मेन सिटी में, वहाँ पे जाके देखेंगे क्या 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 विजिट करने वाले हैं। वहाँ पे ब्लू मोस, ग्रैंड मोस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले हम यहाँ कैफे तो हो गया में विजिट करेंगे बलून्स, हॉट एयर बलून्स में जाएंगे हम। उसके अलावा यहाँ पे एटी भी बहुत फेमस है, उसको हम विजिट करेंगे। ये पीछे भी चेक करें आप, ये सारे जो पहाड़ देख रहे हैं ये सब एटी भी लेके जाते हैं यहाँ पर विजिट के लिए। जी भूख लग चुकी है, कुछ खाएंगे हम पहले, पहले पेट पूछ जाती है काम भी जाए, उसके बाद नेक्स्ट मिलते हैं आप। टेक केयर। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी मिलेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा, उसके अलावा तुर्की रेस्टोरेंट तो यहाँ पे है ही है बहुत ज़्यादा, तो लेट्स सी। वेल, मुझे एक रेस्टोरेंट मिला जो कि अभी ओपन हुआ था, क्योंकि वहाँ पे रेस्टोरेंट जितने भी हैं वो सुबह 10 या 11 बजे ओपन होते हैं, तो एक रेस्टोरेंट मुझे यहाँ पे मिला जो अभी ओपन हुआ था, तो मैंने कहा चलो यहीं पे कुछ खा लिया जाए उसके बाद आगे चलते हैं। खाना खाने के बाद मैं रेस्टोरेंट के रूफ टॉप पर गया जहाँ पे मुझे व्यू कुछ इस तरह का दिखाई दिया।
का दिन इतना ही था। वापस आते आते शाम हो गई, मुझे काफ़ी घूमा, चीज़ें एक्सप्लोर की, देखी काफ़ी ज़्यादा। तो बाकी कल का दिन जो है, कल के लिए मैंने ATV का टूर बुक करवाया। उस ATV पे हम पूरे कैपेडोकिया टाउन का विज़िट करेंगे, तो आपको चीज़ें थोड़ी और एक्सप्लोर करने को मिल जाती हैं। तो कल का दिन ज़्यादा मज़े का होगा, हम जाएंगे। और उसके अलावा जो मेरा मेन पर्पस था कैपेडोकिया में आने का, वो था बलून्स के लिए। मैं आया था एयर बलून्स, मुझे कहा लाजमी मैंने करने हैं। तो खैर उसकी टिकट भी मैंने परचेज कर ली है, तो बट मे बी टमोरो और आफ्टर टमोरो, क्योंकि यहाँ वेदर पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर ज़्यादा विंडी वेदर है तो ये अलाउ नहीं करते हैं। ओके, तो देखते हैं कि वो अपडेट कर देंगे वो कि कल है या आफ्टर टमोरो। कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए हैं मैंने, कुछ पिक्चर्स लिए हैं, वो मैं शेयर करूँगा भी वीडियो में ही, वो आप देखिएगा। बाकी कल आपको इंशाल्लाह बाकी वीडियोस, बाकी कैपेडोकिया का टूर करवाएंगे।